हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। अब सोचे थे कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि थॉर के डार्क वर्सन्स का किस्सा थोड़ा खत्म कर देते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने पार्ट टू का डिमांड किया था और मैंने किया नहीं था। तो अगर आप लोगों ने पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद देख लेना। अभी फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो थॉर के पिछले वाले वीडियो में, यानी थॉर के डार्केस्ट वर्सन के पार्ट वन में, हम कुछ ऐसे थॉर्स के बारे में जाने थे जो शायद मार्वल यूनिवर्स के सबसे डार्केस्ट थॉर्स में से एक थे, जिनमें से किसी का स्टोरी लाइन बहुत डार्क था, तो कोई दिखने में एक मॉन्स्टर जैसा था, तो कोई लिटरली एक विलेन। और इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ थॉर के डार्क वर्सन्स के बारे में जानेंगे। सो ज्यादा पकाऊंगा नहीं, बिना किसी के चहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, जोम्बी थॉर। एंड ऑब्वियसली ये थॉर मार्वल जोम्बीज का है, यानी जोम्बी वर्स 2149 का। अब इस यूनिवर्स में थॉर का कैरेक्टर और स्टोरी लाइन मेन यूनिवर्स 616 की तरह ही चल रही थी, लेकिन अचानक से कहानी का रुख तब मुड़ा जब एक हंगर वायरस से अर्थ के ज्यादा सुपर ह्यूमंस ही जोम्बीज बन गए थे, और इन्हीं में से एक थॉर भी था। एक्चुअली जोम्बी यूनिवर्स में थॉर ने उन जोम्बीज को रोकने की पूरी कोशिश की थी और उन जोम्बीज से लड़ा भी था, मगर आखिर में वो भी नाकामयाब हो गया था और जोम्बी बन गया था। अब एक भूखा बेरहम जोम्बी बन जाने के बाद जोम्बी थॉर की ओरिजिन चली गई थी, जिस कारण से वो उसके बाद म्यूनिर के जगह पे एक नॉर्मल हथौड़ा इस्तेमाल कर रहा था, जो भी सिल्वर सर्फर को मारते वक्त टूट गया था, जब उसने वो हथौड़ा सिल्वर सर्फर के सिर पे दे मारा था। एंड फिर जब 9119 का डेडपूल इस यूनिवर्स में आया था, तब इस ज़ॉम्बी थॉर ने उस डेडपूल को भी खाने की कोशिश की थी। और बताने की जरूरत नहीं कि एक ज़ॉम्बी थॉर क्यों डार्क है। नेक्स्ट, रोग थॉर। अब ये एक्चुअली एक व्हाट इफ स्टोरी लाइन का थॉर है, जिसका टाइटल था व्हाट इफ रोग पॉजेस द पावर ऑफ थॉर। ये घटना थी अर्थ 941066 की, और असल में इस व्हाट इफ यूनिवर्स के कहानी में एवेंजर्स के साथ जब मैग्नेटो की टीम ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स की लड़ाई चल रही थी, तब इस बार इस कहानी में रोग, जिसको आपने एक्समैन की मूवीज में भी देखा है, उसी रोग ने गॉड ऑफ थंडर थॉर की पावर्स को परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया था, और सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं किया था बल्कि उसके एंटायर एवेंजर्स एसेंस को कंज्यूम करके थॉर को मार डाली थी। जी हाँ, उसके सारे पावर्स और एसेंस को कंज्यूम करके थॉर को मार डाली थी, और जिसके बाद वो अपनी नई बेसुमार ताकतों के साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और बहुत बुरे बुरे काम करने लगी थी, और वो इतने ज्यादा कत्ले करने लगी थी कि लिटरली उसके रास्ते के सामने जो भी आ रहा था वो उसे खत्म कर दे रही थी। एंड दैट्स सो विलेनियस। और उसने तो थॉर की ऑर्डिनेंस को भी कंज्यूम कर लिया था, जिस कारण से वो म्यूनिर को भी उठा पा रही थी, एंड देन तो लोगों के मैनिपुलेशन पे आके एस्गार्ड पे हमला भी की थी। मगर फॉर्चुनेटली कहानी के आखिर में थॉर के स्पिरिट ने रोग को कन्विंस किया था कि उसे ये सब नहीं बल्कि अपने इन ताकतों का इस्तेमाल करके भले काम करने चाहिए, एंड देन इसके बाद हालात थोड़ी बेहतर हुई थी। नेक्स्ट, अल्टीमेट थॉर। अब ये एक ऐसा थॉर था जिसे पहले अपना अतीत याद नहीं था, और सबसे खास बात उसे अपनी सुपर स्ट्रेंथ और एबिलिटीज एक खास सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी। और एक्चुअली अल्टीमेट यूनिवर्स की कहानियां मेन यूनिवर्स से काफी ज्यादा डार्क होती है, और थॉर के मामले में अल्टीमेट यूनिवर्स 616 में एस्गार्ड का सबसे बड़ा वीर थॉर नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई बल्डर था, और यहाँ लोकी फ्रॉस्ट जायंट लॉफी की नहीं बल्कि ओडिन और फ्रॉस्ट क्वीन फरवोटी के अफेयर से जन्मा एक बच्चा था, और शैतान लोकी अपनी शैतान माँ के बातों पे आके एस्गार्ड से गद्दारी किया था, और एक फ्रॉस्ट आर्मी के साथ एस्गार्ड पे हमला करके ओडिन बेल्डर थॉर सभी को ब्रूटली मरवा दिया था, जो जंग जो सारे मौतें काफी ब्रूटल और डार्क थी। दिन इसके बाद थॉर और बेल्डर दोबारा एक इंसान के रूप में धरती पे जन्म लिए थे। थॉर को अपने पास्ट के बारे में पता नहीं था, मगर बाद में वो अपने आप को थॉर कहता था लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन फिर पब्लिसिटी के लिए उसे सुपर सोल्जर सीरम से कुछ एबिलिटीज देके और वेदर को कंट्रोल करने वाली एक सूट और हैमर के जरिए उसे थॉर लाइक पावर्स देके उसे थॉर बना दिया गया था, और इसके बाद आगे जाके भी इस थॉर के साथ काफी सारे बुरे बुरे चीजें हुई थी। उसे हेला ने नर्क में कैद कर दिया था और जोर जबरदस्ती थॉर को प्रेशराइज्ड करके हेला ने थॉर को अपने साथ गुलगुलू करने में मजबूर किया था, और थॉर से एक बच्चे की डिमांड की थी, और इस तरफ उसी गुलगुलू का एमएमएस दिखा के यहाँ पे वल्करी के साथ थॉर का एक ब्रेकअप भी करवा दिया था। और फिर जब थॉर और हेला का वो बेटा मोदी का जन्म हुआ था, तब थॉर की हालत वैसी हो गई थी जैसे अभी इंडिया की हालत है। और अगर आप लोग को अल्टीमेट थॉर की डिटेल कहानी जाननी हो तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट, रून किंग थॉर। अब मेरी मानो तो रून किंग थॉर की कहानी सबसे ज्यादा डार्क लगती है मुझे, इतनी डार्क कि थॉर को इस कहानी में अपने आप को फांसी लगा देना पड़ा था। पॉइंट टू बी नोटेड, रून किंग थॉर की कहानी सबसे ज्यादा डार्क लगती है, रून किंग थॉर नहीं। अब जिन लोगों को नहीं पता, असल में रून किंग थॉर की कहानी मेन यूनिवर्स की है, और ये एक्चुअली मेन यूनिवर्स की 616 का ही थॉर का एक वर्जन है। अब हुआ ये था कि एवेंजर्स डिसअसेंबल के बाद थॉर जब एस्गार्ड पे राज कर रहा था, मतलब वो एस्गार्ड का किंग था, तब लोकी के बेरहम प्लानिंग और हरकतें
और साथ ही में एस्गार्ड को तबाह करने की चाहत ने एस्गार्ड पर रैग्नारोक ले आई थी। इतना कि तो लोकी ने शैटर के मदद से अपने लिए एक म्यूनिट का कॉपी भी बनाया था एंड देन शैटर और अपने बेटों के साथ मिलकर एस्गार्ड को खत्म कर डाला था। थॉर के सारे एस्गार्डियन साथिया एक के बाद एक लोकी के आर्मी के हाथों मारे जा रहे थे और थॉर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लोकी और लोकी के टीम के सामने थॉर लाचार हो पड़ा था। एस्गार्ड और अपने बाकी साथियों को बचाने की उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी और इतना कि उसकी इम्यूनिटी भी टूट गई थी, जिसके बाद अपने एस्गार्ड और एस्गार्डियंस को बचाने का बस एक ही उपाय उसके पास बचा हुआ था और वो था एंशिएंट ड्रीम्स और रून मैजिक को हासिल करना, जिसके लिए उसके अपने दोनों आंखों को अपने हाथों से खरोंच के बाहर निकाल के एक कुएं में डाल देना पड़ा था और अपने आप को फांसी में लटका के तड़पाने वाली मौत मरनी पड़ी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद वैलहाला में जाके हेला के हाथों टॉर्चर भी होना पड़ा था। वो तो लग अच्छा था कि ओडिन की स्पिरिट ने उसे बचा लिया था एंड देन फाइनली जाके उसे एंशिएंट ड्रीम्स और रून मैजिक हासिल हुई थी, जिसके बाद उसका कैरेक्टरिज्म इतना ज्यादा डार्क और सीरियस हो गया था और इतना ज्यादा वो पावरफुल बन गया था कि पूछो ही मत। एस्गार्ड के रैग्नारोक साइकिल को खत्म करने के लिए उसने एस्गार्डियंस गॉड्स के भी गॉड्स को बीट कर दिया था, इतना कि उसके पास रियलिटी और प्रेजेंट टाइम को भी कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। उसने पूरे एस्गार्ड की रियलिटी को चेंज कर दिया था और उसके पास पूरे यूनिवर्स पूरे संसार की विजडम आ गई थी। और जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को पता ही है कि एक्चुअली रून किंग थॉर सबसे मोस्ट पावरफुल थॉर है, मगर इतना मोस्ट पावरफुल बनने के पीछे की उसकी जर्नी बहुत ही ज्यादा डार्क, सैक्रिफाइंग और खतरनाक थी। नेक्स्ट द लॉर्ड थॉर, जिसे थॉर लॉर्ड ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब ये थॉर है अर्थ 3515 की और ये थॉर लिटरली धरती का रूलर है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस थॉर ने धरती यानी अर्थ पे कब्जा करके अर्थ का लॉर्ड बन गया था एंड ट्रूली ये वन ऑफ द डार्केस्ट थॉर है, जो अपने मोरल्स और इंसानियत से भटक गया था और उसकी इंटेंशन डार्क और बुरी बन गई थी। थॉर का ये वर्सन धरती पे राज करता था और एक्चुअली हुआ ये था कि इस यूनिवर्स में यानी अर्थ 3515 में एस्गार्ड को जब तबाही के बाद न्यूयॉर्क के आसमानों पे ले आया गया था और न्यूयॉर्क के ऊपर एस्गार्ड फ्लोट करता था, तब ज्यादातर इंसान इस चीज के विरुद्ध थे और न्यूयॉर्क के ज्यादातर इंसान ही एस्गार्डियंस को घुसपैठिया बोल के उनको चले जाने की बात करते थे और खास करके एस्गार्डियंस को बुरा भला बोल के उनको असॉल्ट करते थे। और इंसानों की यही वायलेंस बिहेवियर और ईर्ष्या अपनी लिमिट क्रॉस कर जाने के बाद इस धरती पे इंसानों और गॉड्स के बीच एक जंग छिड़ गई थी, जिस लड़ाई में न्यूयॉर्क और एस्गार्ड दोनों ही तबाह हो चुके थे और काफी ज्यादा इंसान और एस्गार्डियंस की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस यूनिवर्स के थॉर ने अपनी इंसानियत और मॉरलिटी को पानी में बहा के धरती को टेक ओवर कर लिया था और बन गया था धरती का लॉर्ड। मगर अपनी मॉरलिटी और इंसानियत को भूल के बुरा बन जाने के कारण ये थॉर और म्यूनिर को उठाने के काबिल नहीं रहा था एंड ऑब्वियसली, जो कि नॉर्मल बात है। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगर आप लोगों को अल्टीमेट थॉर की कहानी अच्छे से डिटेल में जाननी हो, जो कि बहुत ही ऑसम कहानी है और बहुत ही यूनिक है, तो वो वीडियो आपको राइट में शो हो रही होगी और अगर आपको इसी वीडियो का पार्ट 1 देखना हो तो वो वीडियो आपको लेफ्ट में मिलेगी। फिर मिलेंगे और मजेदार कंटेंट के साथ और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों का चेकअप में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो।